हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्नो पार्क के ऊपर, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर पड़ता है और अमरीक सुखदेव का जो ढाबा है इससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और सामने ही टोल प्लाजा पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हम एंट्री करने वाले हैं मोजोलैंड में, तो ये इसका गेट है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्नो पार्क के अंदर और चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है, क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे। दोस्तों, अंदर जाने से पहले हमें पहले यहाँ से कुछ सामान लेना पड़ेगा, जैसे पहनने के लिए कोट है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, और जूते मिलेंगे। अगर आप अपने जूते पहन के आए तो जुराबों को निकालने की जरूरत नहीं, वरना आपको यहाँ पर 70 रुपये जुराबों के लिए खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए अगर जुराबे पहन के आए तो बहुत अच्छी बात है, और सीधे आप जूते पहनिए और ये कोट पहन लीजिए। तो दोस्तों, जुराबे मेरी खुद की है, मैं पहन के आया था, जूते में आया था, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये जो जूते हैं सिर्फ ये पहनने पड़ेंगे, और ये शायद जूता कटा हुआ है, क्या आपने घंटा फर्क पड़ता है कितने टाइम के लिए पहनना। तो ये अभी हमने ये पहन लिए और अभी हम वहाँ से कोट पहनेंगे, तो ये इस टाइप के यहाँ पर ये कोट मिलेंगे, तो इसी को पहन लेते ताकि अंदर ठंड ना लगे। ये भी हमने पहन लिया है और ये चिपकाने वाला है, इसमें जिप वगैरह नहीं है, यहाँ से सीधा पकड़ो और ये हो गया। तो दोस्तों, दस्ताने भी हैं क्योंकि अंदर हाथों को ठंड लगेगी, तो दस्ताने भी हमने ले लिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं स्नो पार्क के अंदर, हमने एंट्री कर ली है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और कितना यहाँ पर एंजॉय होने वाला है सब हम देखेंगे, और मैं आपको एक एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये स्लाइड भी है और अभी मैं ऊपर से आने वाला हूँ स्लाइड करके, तो इसका मजा भी हम लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर बर्फ़ कम होती है तो उसको दोबारा से बनाने की तैयारी हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे ये बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, और यहाँ पर ये जो मशीन लगी है इसके अंदर इसको डाल डाल के ऊपर से फेंका जाता है, और नीचे जब ये बर्फ़ गिरती है इसको हर जगह पर फैला दिया जाता है। एक चीज़ है, जैसे आप बाहर जाते हैं पहाड़ों में तो उसमें क्या होता है कि अगर बर्फ़ थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो एकदम से वो पिघलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ बड़ी जल्दी पिघलती है। ठंड तो है ही नहीं, ठंड कहाँ है, है नहीं ठंड तो। आपको यहाँ पर 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे तक आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आइएगा, ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि अकेले आदमी आधा घंटा से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकता है, बोर हो जाएगा, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ ही आइएगा दोस्तों।
में पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो एक बार डांस करना तो बनता है, तो इस एक्टिविटी को भी हम करके जाएंगे। अगर गर्मी के अंदर आपको दूर जाने का शौक नहीं, अगर पहाड़ों के अंदर नहीं जाना चाहते और यहीं पर कुछ घंटों के लिए अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, स्नो का मजा लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये एक एक्टिविटी ये भी बनाई गई है, यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट बनाए गए हैं और यहाँ से चढ़कर आपको ऊपर जाना है, तो ये भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो स्नो पार्क के ऊपर, जो कि मुरथल के अंदर पड़ता है और मोजो लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये पड़ता है दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए पीएस वैले।